इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के टॉप 500 करंट अफेयर्स, जो कि आगामी एचएस मेन, लाइट सर्विसेज, एनटी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, एसआई सब इंस्पेक्टर की परीक्षा जो अभी हाल ही में होने जा रही है, विभिन्न तरह की हिमाचल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर करंट अफेयर्स का रिविजन करवा दें, तो ये रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी से मैं आपको 4 या 5 लेक्चर में पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के 1 जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक के टॉप 500 करंट अफेयर्स इस सीरीज में डिस्कशन करने जा रहा हूं। सबसे पहला करंट अफेयर है कृषि विश्वविद्यालय। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश का जो कृषि विश्वविद्यालय है पालमपुर में है। पालमपुर कहाँ पे पड़ता है? कांगड़ा में पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ है, 5 विद्यार्थियों ने इंडियन सोसाइटी ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन द्वारा गुजरात में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने शोध के ऊपर 6 पुरस्कार जीते हैं। बस इतना से याद रखें कि एक संगोष्ठी वहाँ पे हुई थी और उसमें जो कृषि विश्वविद्यालय के छात्र थे उन्होंने अच्छे 6 पुरस्कार वहाँ पे जीते थे। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर ट्रांसपोर्ट टैक्स वसूल करेगा। स्टूडेंट्स, इतना तो आपको भी इस तरह से कई बार प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। मेन की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे ईटीआई की परीक्षा होगी तो टैक्स से रिलेटेड प्रश्न है, नेचुरली वहाँ पे पूछा जाएगा। यदि आप फॉरेस्ट गार्ड में जा रहे, पुलिस से संबंधित कोई अवेंडमेंट हुआ होगा या अदर स्टेट्स का हमने कोई रूल फॉलो किया होगा, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर ट्रांसपोर्ट टैक्स वसूलेगा। और देखिए ये कौन सा है, हिमाचल मोटर व्हीकल रूल 1999 के 69A में बदलाव कर राज्य के ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग ने तुरंत प्रभाव से पंजाब व हरियाणा की तर्ज पर टैक्स वसूलने की नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रदेश के विभिन्न 52 राष्ट्रीय उच्च मार्गों के 52 चिन्हित स्थानों पर सड़क किनारे सुविधाएं विकसित करने की प्रदेश सरकार की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप तो पहले तो ये याद रखेंगे 52 राष्ट्रीय उच्च मार्गों में 52 चिन्हित स्थानों का सरकार के द्वारा चयन किया गया विभिन्न तरह की परियोजना के, इसमें से 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रयागराज कुंभ 2019, प्रयागराज के पावन गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर कुंभ का समागम 15 जनवरी से 4 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल इवेंट था, थोड़ा सा आप इसके टेस्ट में भी रहे कि जो प्रयागराज में कुंभ था उसमें देखिए किस तरह की क्या क्या एक्टिविटीज थी, यहाँ से भी कोई एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अर्नेस्ट एंड यंग एडवाइजरी एजेंसी अब हिमाचल प्रदेश की नॉलेज पार्टनर होगी। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें अर्नेस्ट एंड यंग एडवाइजरी एजेंसी को क्या बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नॉलेज पार्टनर बनाया गया है। प्रदेश की जयराम सरकार ने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए अलाइड में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका था, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप इस प्रश्न को रखें। सबसे पहले तो आपने इतना याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार का पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है किस वर्ष बना था, 2011 में बना था। एचएस की परीक्षा में भी एक बार पूछा गया था जो अहिंसा प्रतिरोधक नियम है वो किस वर्ष बनाया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी से मिलता जुलता प्रश्न है। और उसके बाद लाइट सर्विस से पूछा गया था कि सरकार के द्वारा कितने विभागों की सेवाएं इस एक्ट के अंतर्गत मुहैया करवाई जा रही है, तो आपने याद रखना है स्थायी विभागों की 188 सेवाएं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हिमाचल प्रदेश में कहां पर किया जाएगा, तो धर्मशाला में किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जर्मनी, नीदरलैंड, उसके बाद दुबई, यूएई का दौरा करके आए ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित किया जा सके, निवेश की संभावनाएँ विभिन्न तरह के विदेशी तथा देशी निवेशकों के साथ उन्होंने विभिन्न तरह की मीटिंगें की और देखा कि हिमाचल प्रदेश में निवेश करने के लिए, अब देखना ये दिलचस्प होगा जो नवंबर में प्रस्तावित मीटिंग है कितना हिमाचल को निवेश मिल पाता है। राज्य स्तरीय लोहड़ी उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो इसको आप याद रखें धरोहर गांव है प्रागपुर में राज्य स्तरीय लोहड़ी उत्सव का आयोजन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कितने करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप का घोटाला सामने आया है, इसका अमाउंट है 215 करोड़ के आसपास। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ड्रोह देश भर में आरक्षियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में पहले स्थान पर है, इसको भी आप याद रखें।
जम्मू कश्मीर के बाद अब नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों से भी ट्राउट आयात की जाएगी। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में ट्राउट मछली आई थिंक विश्व विख्यात है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे सरकार जम्मू कश्मीर के बाद अब नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों में भी ट्राउट आयात की जाएगी। राज्य स्तरीय लोहड़ी पर्व का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? देश के प्रथम ये रिपीट हो गया प्रश्न, ठीक है, तो आप इसको पुनः लिखेंगे। राज्य स्तरीय लोहड़ी का उत्सव हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर कि मनाया जाता है? प्रागपुर में। ठीक है, स्वच्छता बनाए रखने और संक्रमण नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश का कौन सा नागरिक अस्पताल सर्वश्रेष्ठ रहा है? डलहौजी। और यदि दूसरे नंबर की बात करें हम तो सरकार घाट अस्पताल रहा है। हिमाचल प्रदेश औद्योगिक कौशल विकास भत्ता के लिए आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहले सरकार के द्वारा ये आयु जो सीमा थी 18 से 36 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने भी बजट के ऊपर एक कमेंट किया सरकार को कि देखिए 35 36 या 40 वर्ष तक या 45 वर्ष तक जो हमारे युवा है वो सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते तो उनको जरूरत तब पड़ती है अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जब उनकी आयु 45 वर्ष से ज्यादा हो जाती है। तो क्यों ना इसकी यदि पहले भी कोई इंटरेस्टेड तो आप उसको 18 साल से मौका तो दे ही रहे हो तो इसकी आयु बढ़ाई जाए। बजट में इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया था। तो आप याद रखें एचएस में भी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो स्किल सरकार की तरफ से जो युवाओं को स्किल ओरिएंटेड बनाने का कार्यक्रम था वीरभद्र सरकार की बात है, ठीक है, तो उसकी आयु सीमा उस टाइम पूछी गई थी। ठीक है, तो अभी देखिए ये प्रश्न बहुत युवाओं से जुड़ा हुआ है। बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में 8 लाख के आसपास पहुंच चुकी है और सरकार भी कंसंट्रेट करिए कि इस बेरोजगारी की बढ़ते हुए विस्फोट को कैसे रोका जाए। तो आप याद रखें हिमाचल प्रदेश औद्योगिक कौशल विकास भत्ता के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। हिमाचल प्रदेश औद्योगिक कौशल विकास भत्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी अनिवार्य की गई है? तो आप याद रखें किसी भी तरह की कोई भी शैक्षणिक योग्यता वहां पे नहीं रखी गई है। यदि हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश का 49 या आई थिंक 50वां ही पूर्ण राजस्व दिवस बनाया गया था, उसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पे किया गया था? सोलन में किया गया था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट के किस न्यायमूर्ति द्वारा खुद को अलग कर लिया गया है? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के में प्रस्तावित एम्स के निर्माण का कार्य किस कंपनी को सौंपा गया है? कंपनी का नाम है नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। और स्टूडेंट्स जब नीरचौक में मेडिकल कॉलेज बना था, कोल्ड डैम में कंस्ट्रक्शन काम चला था, इनके कंपनियों के नाम अभी तक पूछे जा चुके हैं। यहाँ तक कि रोहतांग में जो टनल बना है उस कंपनी का नाम भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए एम्स कॉलेज है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका वैल्यू रहता है। तो आप इसको याद रखें कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जो आपने स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बिलासपुर में एम्स कॉलेज कहाँ पर बना है, उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम क्या है? तो आप याद रखें कौन सी कंपनी उसको कंस्ट्रक्ट करेगी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी। 2023 का टारगेट लेके चले हुए हैं। सातवीं आर्थिक जनगणना कब की जाएगी? वित्त वर्ष 2019-20 में। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस भाषा को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है? इसका भाषा का नाम है संस्कृत। हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी कौन है? सीताराम मट्टी। जापान चीन व दक्षिण कोरिया में उगाया जाने वाला स्टाके मशरूम अब हिमाचल में भी उगाया जाएगा। कैंसर के लिए जापानी मशरूम स्टाके रामबाण माना जाता है। स्टूडेंट्स प्रश्न देखने को मिलेगा कि स्टाके ऐसे लिखा होगा किस किस्म स्टाके किस चीज़ की किस्म है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे एनालाइज करना है किसकी है मशरूम, क्योंकि देखिए कैंसर जैसी बीमारियों के लिए रामबाण साबित होगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत युवाओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है? देखिए महिलाओं को 30% है और पुरुषों के लिए 25% है। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। अटल आशीर्वाद योजना के तहत नवजात शिशु को कितने रुपए की राशि सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी? तो इसका अमाउंट होगा 1500 रुपए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हिमाचल प्रदेश के किस जिला को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मंडी। हिमाचल प्रदेश के इस जिले में वर्ष 2018 में महिला अपराध का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। तो इस जिले का नाम है लाहौल स्पीति। देखिए बहुत अच्छी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल में सारे के सारे जितने भी जिले वो अपराध मुक्त हो जाए। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग वर्ष 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं पर सबसे ज्यादा अपराध किस जिले में होते हैं? उस जिले का नाम है मंडी।
हिमाचली खिलाड़ी ज्योतिका दत्ता किस खेल से संबंधित है? तो इनका खेल है तलवारबाजी। मोस्ट इंपोर्टेंट, रेड लव क्या है? स्विट्जरलैंड से मंगवाई गई सेब की किस्म। स्टूडेंट्स याद रखिए, रेड लव क्या है? सेब की किस्म है जो कि स्विट्जरलैंड से मंगवाई गई और हिमाचल प्रदेश में इसका उत्पादन किया जाएगा। मार्च 2019 में होने जा रही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की परीक्षाओं में, जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें देखिए कितनी महिला परीक्षक केंद्र बनाए गए थे, तो ये 45 बनाए गए थे। राज्य में विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति और अनुमोदन के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है? फ्रेंड्स, जो कुछ दिनों में आपको एनटी की एडवर्टीजमेंट मिलेगी उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, आप इसको याद रखें। इसी तरह के प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस पोर्टल का नाम है हिम प्रगति। जब भी आपके दिमाग में हिम प्रगति आए तो आप याद रखें कि राज्य सरकार ने क्या किया, विभिन्न तरह की जो इनकी एजेंसीज है उनके द्वारा क्रियान्वित की जा रही विकासात्मक परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति और अनुमोदन के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल को शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार हिमगौरी के नाम से किस उत्पाद को मार्केट में उतारेगी? तो हिमगौरी से याद रखें, हिमगौरी से आपको जो प्रोडक्ट दिखेगा उसका मतलब है कि गाय के दूध से बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर को कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 2011 में से शुरू किया गया था। मौसम विभाग केंद्र शिमला के निदेशक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। देश की प्रथम परमवीर चक्कर विजेता सोमनाथ शर्मा जी का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? कांगड़ा के पालमपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोली गई है? मंडी। मंडी जिला के सभी पंजीकृत देवी देवताओं के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित संदेश की मुहिम किस प्रशासनिक अधिकारी द्वारा शुरू की गई है? तो इनका नाम है मंडी जिला के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर। लाहौल स्पीति के दालंग में ग्लेशियर गिरने से यहाँ मौजूद आर्मी का ट्रांजिट कैंप तबाह हो गया। देखिए लाहौल स्पीति में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। नेवी में सेवाएं दे रही अपूर्वा शर्मा को विंग्स अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड उन्हें कोची में मिला। सब लेफ्टिनेंट अपूर्व शर्मा पालमपुर अंद्रेटा की निवासी है। राज्य स्तरीय चेचु मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? रिवालसर जिला मंडी। वर्ष 2018 में NDPS के तहत मादक द्रव्य पदार्थों के कितने केस दर्ज किए गए? 1342 केस दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस प्रख्यात लोक गायक को प्रदेश सूचना जनसंपर्क अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है कर्नल राणा। आपने भी इनके गाने सुने होंगे, काफ़ी प्रसिद्ध लोक गायक है। केंद्र के बाद हिमाचल प्रदेश के किस जिला में नाग लोक की मूर्तियां स्थापित की जा रही है? इसका नाम है सोलन के साधुपुल में। हिमाचल प्रदेश की पहली ई लाइब्रेरी कहां पर तैयार हो रही है? तो ये शिमला विधानसभा के समीप में इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हिम केयर योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्टूडेंट्स, हिम केयर योजना आप इंटरलेट करें, स्वास्थ्य के साथ में है। और जो सरकार की केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है उसके अंतर्गत जो लोग नहीं सम्मिलित हुए हैं उनको प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे परिवार 5 सदस्यों तक के परिवार को 1 वर्ष में 5,00,000 रुपये सरकार की तरफ से, हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से हिम केयर योजना के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए मुहैया करवाया जाएंगे। दिव्यांग समितियों का गठन किस अधिनियम के तहत होता है? तो इनका जो अधिनियम बना था दिव्यांगजन अधिनियम 2016। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत वर्तमान प्रावधान को 1.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र किया जाएगा। आप याद रखें जो विधायकों को विधायक राशि मिलती है उसका अमाउंट एट प्रेजेंट कितना हो गया है? 1.5 करोड़ हो गया, यानी 1.5 करोड़ के आसपास इनको दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का गांव प्रीणी देश का पहला IT सक्षम स्मार्ट इको टूरिस्ट प्लेस बनेगा। 3 विकास खंडों के लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयों से एनीमिया मुक्त करने पर जयराम सरकार काम करेगी। शिमला जिला का ठियोग, सोलन का कसौली और मंडी जिले का करसोक विकास खंड शामिल किए गए हैं। प्रदेश विधानसभा के सभागार में प्रदेश संस्कृत अकादमी की बैठक हुई।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से जिला ऊना के डोगी आदर्श संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भक्त वत्सल शर्मा को अकादमी का सचिव चुना गया है। ठीक है, देखिए आप पहले तो इतना याद रखें कि इनकी जो बैठक का आयोजन किया गया था कहाँ पे किया गया था, विधानसभा के सभागार में प्रदेश संस्कृत अकादमी की बैठक में, ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है करंट पर। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें, नौवीं विश्वविद्यालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों से आठवीं दसवीं जमा दो में से कोई भी दो कक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए स्नातक में 50% सीटें आरक्षित की गई है। अच्छी कोशिश की जा रही है नौवीं यूनिवर्सिटी की तरफ से। और प्रदेश में 11 जिलों की कानवे तहसीलों एवं उप तहसीलों में बानरों को एक वर्ष की अवधि के लिए पीड़क जंतु यानी बर्मिन घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया गया, आपको ज्ञात होगा जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, आयोग का जो हेड ऑफिस है वो शिमला में स्थित है। और इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं, जो इसके अध्यक्ष होंगे वो पशुपालन मंत्री होंगे, इसके अलावा एक उपाध्यक्ष और एक गैर सरकारी सदस्य को भी सरकार नियुक्त करेगी। और इनका कार्यकाल कितना रहेगा, 3 वर्ष रहेगा। मेन के विद्यार्थी इसके ऊपर जो लावारिस पशुओं की समस्या दिन प्रतिदिन हिमाचल प्रदेश में बढ़ती जा रही है, HS के लिए GS 1, 2, 3, इसके अलावा SA राइटिंग के लिए, अदर फैक्ट्स के लिए भी आप का इस्तेमाल कर सकते हो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा कहां से किया गया, धर्मशाला से। और आपको ज्ञात होगा इस स्कीम की शुरुआत कब की गई थी, 1 दिसंबर 2018 से इसको शुरुआत की गई, जबकि फरवरी में बजट में अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन जो NDA 1.0 गवर्नमेंट थी मोदी के नेतृत्व में, उन्होंने बोला था कि हम इसको 1 दिसंबर 2018 से किसानों को दे देंगे। यदि बात करें हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री की, कौन है हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री, तो उनका नाम है श्री रामलाल मार्कंडेय। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से किया गया था। और आपने मुझे बताना है कि गोरखपुर एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता है भाजपा के, उनकी जब वो लोकसभा के सदस्य थे उनकी कर्म भूमि रही थी, वहीं से चुन के आते थे। आज के लोग किसी एक स्टेट के मुख्यमंत्री भी है, यहीं से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो आपने उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आगे बात करें, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन विकास एवं रोड सेफ्टी काउंसलिंग का पुनर्गठन किया गया है, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, परिवहन मंत्री श्री गोविंद ठाकुर जी। हिमाचल प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रदेश सरकार के साथ MOU साइन किया गया है। प्रदेश में करीब 40,000 युवाओं को नौकरी मिलने के नवीन अवसर पैदा होंगे। हिमाचल प्रदेश को मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना हिम केयर तथा पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से नवाजा गया है। आगे बात करें, भारत और इंग्लैंड महिला क्रिकेट के बीच एक दिवसीय सीरीज में खेलने वाली HPCA की खिलाड़ी हरलीन देओल इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज की खेलेगी। माफ़ कीजिएगा, नेशनल करंट अफेयर्स में आ गया था, लेकिन आप लोगों के लिए तो अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो इसका आप याद रखें मंडी में किया जाता है। केंद्र सरकार की उड़ान 2 योजना के तहत शिमला चंडीगढ़ शिमला के लिए हेलीटैक्सी की शुरुआत 28 फरवरी से कर दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, जो ये टैक्सी चलेगी उड़ान 2 योजना के अंतर्गत शिमला चंडीगढ़ शिमला टैक्सी चलेगी, तो इसकी जो शुरुआत की गई जुब्बलहट्टी हवाई अड्डा शिमला से की गई। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है राइड की सर्विसेज और NT की सर्विसेज के लिए। उड़ान 2 योजना किस कंपनी की सहायता से चलाई जाएगी, तो इस कंपनी का नाम है पवन हंस लिमिटेड। हिमाचल में सीमेंट उत्पादक कंपनी अल्ट्राटेक का उद्योग किन 2 जिलों में के बीच में है, सोलन तथा बिलासपुर के बीच में। ठीक है, आप इसको याद रखें। जगह का नाम क्या है, पर्टिकुलर भाम पे भागा नामक स्थान है। समाज सेवा में बेहतर कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश के किस उपायुक्त को दूसरी बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम समिट ऑन इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया, कुल्लू जिला के उपायुक्त यूनिस खान। अजय ठाकुर तथा प्रियंका नेगी किस खेल से संबंधित है, कबड्डी। हिमाचल के कौन से खिलाड़ी पूर्व ओलंपियन हॉकी टीम के भारतीय कप्तान रह चुके हैं, पद्मश्री अवार्ड से इनको नवाजा भी जा चुका, जिनका नाम है चरणजीत सिंह। और इनके बारे में आपको एक और बात बता दूं, ये ऊना जिला से संबंध रखते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न कम से कम अभी तक 10 से 12 बार विभिन्न तरह की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। विकास ठाकुर किस खेल से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक। हिमाचल प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री
कौन है? अब तो नहीं है, इनका नाम है अनिल शर्मा, जो कि पहले थे लेकिन उन्होंने कुछ ही दिनों पहले लोकसभा के चुनावों में इस पद से इस्तीफा दे दिया और आजकल ये सीट वेकेंट चली हुई है। मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया था कि हिमाचल प्रदेश का जो स्टॉक के मशरूम यहाँ पे तैयार किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि इसमें कौन किस तरह के विटामिन के लिए सहायक होता है, तो इस विटामिन का नाम है डी। आयुष्मान भारत योजना की चुनौतियों को लेकर तैयार की गई प्रेजेंटेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा के किस प्रशासनिक अधिकारी को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया? स्टूडेंट्स, में ऊपर से तो आपको मैंने इस प्रश्न को बहुत लंबा बना दिया कि आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को हाल ही में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया। और ये प्रश्न अलाइड सर्विसेज एनटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनका नाम है डॉक्टर विक्रांत। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कितने शहर भयंकर प्रदूषण की चपेट में हैं? तो 7 शहर हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ये हैं, आप इनको नाम याद रखें, बद्दी, नालागढ़, परमाणु, पांवटा साहिब, कालाम, सुंदरनगर और डमटाल। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पीजीए सैटेलाइट सेंटर खोला जा रहा है? ऊना। हिमाचल प्रदेश में कितने सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लैब बनाई जा रही है? 36। प्रधानमंत्री श्रम योगी मंत्री पेंशन योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में कहाँ से किया गया? मंडी से। किसने किया? मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में कौन से जिले को जाना जाता है? जिले का नाम है मंडी। छोटी काशी के नाम से भी किसे जाना जाता है? मंडी जिला को ही जाना जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर द्वारा सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित किस पुस्तिका का लोकार्पण किया गया? इस पुस्तिका का नाम है दृष्टि हिमाचल 2030। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से संबंध रखने वाली देश की सबसे युवा प्रधान जमुना चौहान किस कॉलेज की छात्राओं को महिला सशक्तिकरण पर जागरूक करेगी? इस कॉलेज का नाम था क्रोडिमल कॉलेज दिल्ली। भारत मंत्रालय की स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में शिमला तथा धर्मशाला को क्या स्थान प्राप्त हुआ? तो शिमला 198वें स्थान पर और धर्मशाला 998वें स्थान पर है। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें कितने स्वच्छता में हम लोग कहाँ पे अभी खड़े हैं। प्रदेश में 2 नए इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर बनेंगे? कांगड़ा के प्रागपुर के तहत चुनौर व नूरपुर। स्टूडेंट्स, इसको आप याद रखें, जरूर ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वर्ष की मैं एक्टिविटीज़ देखूँ तो जो आपको मैंने पहले भी बताया कि निवेश एक्टिविटीज़ के ऊपर सरकार ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, और जो चीज़ सुर्खियों में रहती है वहीं से करंट अफेयर बनने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। प्रदेश की पहली महिला टैक्सी चालक कौन है? धर्मशाला नड्डी की बेटी अंजलि। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूबन मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कितने क्लस्टर चयनित किए गए हैं? 06। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के किस हवाई अड्डे में एयर इंडिया के विमान में पायलट समेत सारा स्टाफ महिलाएं थी? कांगड़ा हवाई अड्डा। हिमाचल प्रदेश में कितने नर्सिंग कॉलेज और स्कूल है? 56। मुख्यमंत्री नूतन पाली हाउस परियोजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत योगदान दिया जाता है? 85%। अलाइड की सर्विसेज में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है इसी वर्ष। छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में कितनी कन्याओं का पूजन किया गया? 1008। प्रदेश का कौन सा जिला दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? मंडी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह मेवाड़ के अमिट रियासत की राजकुमारी सुदर्शना सिंह के साथी शादी के सूत्र में बंधे। हिमाचल प्रदेश को कब तक टीबी मुक्त किया जाएगा? सरकार ने लक्ष्य रखा 2021 तक का। प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्री विपिन परमार जी। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी विभाग के सर्वेक्षण 2019 के अनुसार स्वच्छता के मामले में हिमाचल प्रदेश की कौन सी नगर परिषद प्रथम स्थान पर रही है? हम यहाँ पे बात करें नगर परिषद की, तो ये बद्दी नगर परिषद प्रथम स्थान पर रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार हिमाचल प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 20। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन, जो लोकसभा के चुनाव है उसके अनुसार उसके समय में मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी थे उनका नाम क्या है? देवेश कुमार। प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों में सबसे ज़्यादा मतदाता किस लोकसभा क्षेत्र से है? कांगड़ा। प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों में सबसे कम मतदाता किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं? शिमला से। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे? किन्नौर के श्याम शरण नेगी। इनका नाम तो आप ऐसे रट लें और इनका अपने जिला भी याद रखना है किन्नौर। ये भी 10 से 12 बार ये प्रश्न विभिन्न तरह की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
हिमाचल प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि भारत के तीन सर्वोच्च पुरस्कार कौन कौन से हैं। ठीक है, हाल ही में आपने देखा होगा सुर्खियों में भी रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग कि हिमाचल प्रदेश के कौन से खिलाड़ी है जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, तो उनका नाम है अजय ठाकुर। एक कबड्डी खेल से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई है? 70 लाख। स्टैंड से भी इम्पोर्टेंट है। 2014 के चुनावों में हिमाचल प्रदेश लोकसभा के लिए 34 करोड़ खर्चा आया है। इस बार करीब 41 करोड़ खर्च करने का अनुमान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे सरकार खर्च करती है इसके ऊपर। आगे बात करें हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के लिए कितने महिलाएं संचालित मतदान केंद्र है? 136। सामान्य वर्ग के लिए देखिए एचएस में प्रश्न पूछा गया था, एचएस से किसी और परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि जो लोकसभा के वहां पे राष्ट्रपति का पूछा गया था, आई थिंक राष्ट्रपति की जीवंत राशि आपने बतानी थी। तो यहाँ पे हम लोग यदि बात करें लोकसभा के चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 25,000 रुपये और एससी एसटी के लिए 10,000 रुपये जीवंत राशि रखी गई। तो आपको ज्ञात होगा जमानत बचने के लिए आपको कुल वैध वोटों का 1.16 वोट आपको लेने होते हैं। नाइजीरियन युवक को हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चिट्ठे के सप्लाई के साथ, यहाँ सिलाई हो गया माफ करें, यहाँ पे आप सप्लाई कर लें, करते हुए पुलिस द्वारा पकड़ा गया? भोरंज। हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा के चुनावों के लिए किस मतदान केंद्र पर सबसे कम मतदाता है? तो इसका नाम है लिग्गर मतदाता केंद्र, लाहौल स्पीति। भारतीय वन सर्वेक्षण 2017 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में वनों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 393 वर्ग किलोमीटर। 1960 में 360 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी पर पौंग बांध की आधारशिला रखी गई है। 1964 में पौंग बांध के निर्माण हेतु हिमाचल की ओर से केंद्र सरकार ने हस्ताक्षर किए थे। पौंग बांध का निर्माण कब किया गया था? 1973 में किया गया था। ये प्रश्न भी विभिन्न तरह की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अंजनी महादेव कहां पर है? सोलंग नाला से 5 किलोमीटर की दूरी पर। प्रदेश के किस लोक गायक को साने हिमाचल तथा हिम गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो उनका नाम है सुभाष राणा, ये मंडी जिला से संबंध रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के पेड़ काटने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राधिकरण को सड़क, अस्पताल, स्कूल व अन्य विकास कार्यों के लिए प्रति हेक्टेयर जमीन से 75 पेड़ों को काटने की इजाज़त मिली हुई है। प्रदेश में राष्ट्रीय होली मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? सुजानपुर, हमीरपुर में। सरस मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? मंडी में। धर्मशाला में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में प्राकृतिक जल संसाधनों को वैज्ञानिक तरीके से बचाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो इस ऐप का नाम है सहयोग ऐप। हिम केयर योजना के अंतर्गत कितने रुपए इलाज की सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी? 5 लाख की। स्टैंड्स थोड़े जल्दी इसलिए मुझे करंट अफेयर्स पढ़ाने पड़ रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि 15 से 20 मिनट में ही आपको वीडियो कंप्लीट करवा दिया जाए। और स्टैंड्स इस वेबसाइट इस URL पे आप बने रहें, elistudyco.in पे विभिन्न तरह की परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर तथा अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री हमारी इसी वेबसाइट पे मिलती है। और स्टैंड्स ये जो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसी तरह के पूरे 6 महीने के उत्कृष्ट हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, इसके अलावा जिस्ट ऑफ टॉप क्लास इंडियन मैगजीन की PDF को खरीदने के लिए आपको हमारी वेबसाइट elistudyco.in पे जाना पड़ेगा। आप इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें क्योंकि आपको पता काफी ज्यादा एनर्जी लगती है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। मुझे आपके सहयोग की उम्मीद रहेगी और थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग elistudy YouTube चैनल।